हेलो। टुडेज चैप्टर पे बैक पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से देखा क्या हुआ कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल ही। क्लियर? तो आज हम पे बैक पीरियड के बारे में जानेंगे, ये पे बैक पीरियड क्या है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक मैथ लिए है जो 2017 में आया था पे बैक पीरियड का। द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑन द कैश फ्लोज ऑफ टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। यहाँ पर जीरो जीरो मतलब हम पहले ही बोले थे, एमपीपी के टाइम पे बोले थे, जीरो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए प्रोजेक्ट का था 4 लाख और प्रोजेक्ट बी का था 5 लाख्स। आफ्टर वन ईयर्स प्रोजेक्ट ए 2 लाख्स आया है, प्रोजेक्ट ए का। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट बी का 1 लाख आया है, 1.75 लाख्स, 2 लाख्स, ये करते हैं 5 लाख्स 5 ईयर्स तक यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूट करने के लिए बोला है पीबीपी एनपीवी, मतलब पीबीपी कंप्यूट करने के लिए बोला है, पीबीपी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू से। आपको ये आपको बोलना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी सजेस्टेड व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड व्हाई। ये प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के बीच में कौन सा प्रोजेक्ट को हम सजेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे, पे बैक पीरियड से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, पे बैक पीरियड क्या होता है। चलिए फर्स्ट ये मैथ ऑफ लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पे बैक पीरियड, पी बी पी, पे बैक पीरियड। व्हाट इज पे बैक पीरियड, मतलब पे बैक पीरियड क्या होता है। इट इज पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट। तो पे बैक पीरियड क्या है। पे बैक पीरियड है एक लेंथ, मतलब एक टाइम। ये ईयर्स में भी हो सकता है, ये मंथ में भी हो सकता है, वो वाला टाइम, द टाइम। इस टाइम के अंदर क्या होगा, रिकवर होगा द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिकवर होगा। मतलब इस टाइम के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट था, वो आपका जो हम पहले ही बोले थे ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रहा है या नहीं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक जा रहा है या नहीं, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था उतना पैसा आपका रिकवर हो रहा है या नहीं, ये कितने टाइम के अंदर हो रहा है, इसको ही हम पे बैक पीरियड से कैलकुलेट करके निकालेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड सबसे कम है, मतलब सबसे कम टाइम में जो इन्वेस्टमेंट किए थे हम, वो रिटर्न आ रहा है। क्लियर? तो वो प्रोजेक्ट को ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कैसे हम ये मैथ करते हैं। तो फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट मैथ्स पे जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 0.44, मतलब ये इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये ए प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और ये बी प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, ईयर का चार्ट और एक प्रोजेक्ट ए का चार्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी का चार्ट। क्लियर? तो जीरो जीरो ईयर जो है उसको हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ईयर वन से। ईयर वन में कितना था, कितना रुपीस था,
2 लाख रुपीज़ था प्रोजेक्ट ए का। प्रोजेक्ट बी का कितना था? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम इसके लिए और एक चार्ट में बना लेते हैं इसके अंदर, और वो चार्ट है कैश फ्लोस। कैश फ्लोस, कैश फ्लोस क्या होता है ये हम एनपीवी का जो वीडियो है उससे हम बनाए थे, अब देख लेना प्लेलिस्ट में जाके कैश फ्लोस क्या होता है। कैश फ्लोस, कैश फ्लोस कॉम्यूलेट, अच्छा कॉम्यूलेटिव, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। कैश फ्लोस सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए भी कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कितना है? फर्स्ट फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लोस कितना था? प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लोस कितना था? अब देख लीजिए 2 लाख। तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख लेते हैं। क्लियर? तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस कितना हुआ? इंक्रीजिंग जो हो रहा है वो ही क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस है, तो इसका इंक्रीजिंग 2 लाख ही है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डाटा है, तो इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना होगा? यही होगा। ठीक है, अब या 2 में चलते हैं। या 2 का अब देखो कैश फ्लो दिया हुआ है प्रोजेक्ट 1 का 1,75,000। तो अब क्यूमुलेटिव कितना होगा? ये 2 लाख, ये 2 लाख और ये 1 लाख, 1,75,000, मतलब आपका ऐड करके कितना आ रहा है? 3,75,000 आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हो गया। यार 3 में चलते हैं। यार 3 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3,25,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3,25,000, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 3,75,000 के साथ 3,25,000 ऐड करके कितना आ रहा है? 7 लाख। क्लियर? हम इतना तक छोड़ दे रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वो हम बाद में बोलते हैं। क्लियर? सिमिलरली फॉर द प्रोजेक्ट बी के लिए यहाँ पे कितना था? 1 लाख। देखिए अब 1 लाख। क्लियर? तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना होगा? ये भी आपका 1 लाख से होगा। उसके बाद कितना आ रहा है? 2 लाख। तो 2 लाख ले लेते हैं। तो 2 लाख और 1 लाख क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना होगा? 3 लाख ऐड कर देते हैं। उसके बाद कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख, 3 लाख कितना होगा? 6 लाख क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। आप टेबल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम यहाँ पे ही छोड़ रहे हैं, क्यों वो हम आपको बाद में बोलते हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, प्रोजेक्ट बी का कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस क्या है? ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्शन है बेसिकली। ये इंक्रीजिंग ऑफ कैश का जो इंक्रीजिंग है, आरईआर का जो कैश का इंक्रीज है, मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट रख दिए बैंक पे और उसका जो हर ईयर का जो इंक्रीज है उसको हम क्यूमुलेटिव इंक्रीजिंग से ले रहे हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट? 4 लाख। तो 4 लाख कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? इस जगह पे आपका 4 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक ना? 3,75,000 जस्ट क्रॉस कर रहा है और 7 लाख 4 लाख से ज्यादा है। तो ये क्या, जब ईयर नंबर 2 है, मतलब 2 साल के बाद ये आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसके पास जा रहा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रहा है। और हम बोल सकते हैं कि पैसा जो आप 4 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो रिकवर हो रहा है। तो वो कितना है? 2 ईयर्स। क्लियर? इसलिए हम और ज़्यादा चार्ट को नहीं इंक्रीज किए। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 7 लाख, 7 लाख तो 4 लाख से ज़्यादा होता है। जस्ट 3.75 लाख 4 लाख के का
नियरेस्ट वैल्यू है, सो जस्ट यहाँ पे ही हमारा पे बैक पीरियड को टच कर रहा है, मतलब क्या बोले ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लैक्स, यहाँ पे 5 लैक्स, जस्ट 3 लैक्स नियरेस्ट वैल्यू, 6 लैक्स 5 लैक्स से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, क्लियर। अब पे बैक का कैलकुलेशन कैसे करता है, पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए, ऑफ प्रोजेक्ट ए इक्वल टू, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए का कितना था, 4 लाख था, तो हम ले लिए 4 लाख माइनस नियरेस्ट वैल्यू कितना है, 3.75, 3,75,000, 3,75,000 बाई, क्लियर। थर्ड ईयर में हम कम कितना है, थर्ड ईयर में कितना आ रहा था, थर्ड ईयर में कितना आ रहा था, मतलब वो बैंक क्या दे रहा था, 3,25,000, तो 3,25,000 हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस प्लस ऑफ पे बैक पीरियड, मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपका जो कॉस्ट रिकवरी है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो कितना साल में रिकवर हो रहा है, 2 साल के बाद, इसलिए +2 ईयर्स, +2। तो आपका ये कैलकुलेशन करके आपका आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन करके आपका आ रहा है 2.077 ईयर्स, क्लियर। कैसे हम निकाल लिए, तो ये हो गया हम लोगों का पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट 1, क्लियर। अब हम चलते हैं पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट 1, मतलब प्रोजेक्ट ए, अब हम चलते हैं पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लैक्स, तो हम ले लिए 5 लैक्स माइनस नियरेस्ट वैल्यू कितना है, मतलब कहाँ पे क्रॉस कर रहा है 5 लाख को, 3 लाख, तो हम यहाँ पे ले लिए 3 लैक्स, क्लियर। बाय 3 ईयर्स, ईयर्स 3 मतलब 2 साल, 2 साल में ही, 2 साल जब क्रॉस कर रहा है तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट टच कर रहा है, उसके बाद आपका इन, उसके बाद बैंक आपको कितना दे रहा था, 3 लैक्स, तो उसको हम नीचे लिख लिए 3 लैक्स। सिमिलर प्रोसेस हर पे बैक पीरियड निकालने के लिए यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। और पे, और जो आपका जो पैसा था, मतलब आपका जो 5 लाख था, वो कितना ईयर के बाद रिकवर हो रहा है, 2 साल के बाद, इसलिए +2, +2, क्लियर, क्लियर है, वेरी सिंपल, ठीक है। 2 साल, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करके कितना आ रहा है, 2.667 ईयर्स, क्लियर। तो प्रोजेक्ट ए के लिए आपका आ रहा है 2.077 ईयर्स, और प्रोजेक्ट बी के लिए आपका पे बैक पीरियड आ रहा है 2.667 ईयर्स, मतलब हम प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा आंसर क्या होगा, मतलब ये प्रोजेक्ट ई ए और प्रोजेक्ट बी के अंदर हम किसको सजेस्ट करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट को दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, जिसका टाइम सबसे कम लगता है पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे सबसे कम पे बैक पीरियड किसका है, प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड सबसे कम है। सो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट ए को हम सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि द प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड लेंथ सबसे शॉर्ट है, मतलब सबसे कम टाइम में प्रोजेक्ट ए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उनको रिकवर कर रहा है, इसलिए हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। होप आपको पे बैक पीरियड समझ में आ गया, पे बैक पीरियड का हर मैथ हम ऐसे ही करेंगे, क्लियर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।